गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21st of November, हमारा आज तीसरा चौथा दिन है। हाँ, तो आज कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कल के दिन। परसों के दिन तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज कल का दिन अच्छा गया। और मतलब शाम को हम लोगों ने वहीं पर खाना खा लिया था, खाना वो लोगों ने प्रोवाइड करा दिया था कूपन वगैरह से, तो आके हम लोगों ने खा के और सो गए थे। अभी सुबह उठे, आज लेट हो गए हम लोग, वैसे भी रोज लेट ही हो रहे हैं। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जीन्स मतलब शर्ट और जीन्स पहन रखा है मैंने। और अभी जाते हैं, मैं और तनुष जाएंगे पहले और ये लोग बाद में आएंगे, क्योंकि ये लोग का जलेबी वलेबी खाने का मन हो रहा था, तो ये लोग चौकी धानी वगैरह जाएंगे, तो ये लोग शायद बाद में आए। सो लेट्स सी कैसा रहता है, और आज का दिन जो भी रहेगा आपको सारा अपडेट देंगे। कल रात को हम लोग निकले थे यहाँ से, मतलब यहाँ से हम लोग सीधे वहाँ मार्केट चले गए थे, तो वहाँ पे पान वगैरह खाया था, तो पान वगैरह तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक हमने लिया था, शायद स्पेशल था कुछ उसमें, मालूम नहीं, काफ़ी बड़ा मेन्यू था उसमें, तो एक पान ले लिया था हमने, स्पेशल पान करके ऐसा कुछ था, तो अच्छा था मतलब। और यहाँ पे जो मार्केट है ना, काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है, 9-10 बजे के आसपास सारी मार्केट बंद हो जाती है, यानी खाने पीने का भी सब बंद हो जाता है इतनी जल्दी। नहीं, उधर नहीं है इतना, मतलब ग्वालियर में इतना नहीं है, 12 बजे तक तो रहता है, पर यहाँ पे जल्दी सब चीज़ें बंद हो जाती है। और लेकिन सेफ़ है यहाँ पर, जैसे जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया उतना मुझे सेफ़ फील हो रहा था, सेफ़ लगा मुझे। तो अगर मतलब जयपुर में अगर घूमना है तो आप 10 बजे के आसपास तक घूम सकते हो, और फिर बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, वो मतलब 5-6 बजे तक ही खुला रहता है, सुबह से लेकर 5-6 बजे तक रहता है, इसके बाद कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस आपको ओपन नहीं मिलेगा। तो दिन में ही घूम लेंगे आप जितना आपको घूमना है, और ये रहेगा। तो लेट्स सी आज का दिन हमारा कैसा जाता है, अच्छा जाता है आप बुरा जाता है, वो बाद की बात है। और अभी हम लोग निकलते हैं, लेट हो रहा है काफ़ी, तो मैं तनु को लेके जा रही हूँ, उसका मेकअप वगैरह होना बाकी है, मैं तो सुबह रेडी हो गई थी, तो अभी जाते हैं। एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि ना, मैं म्याओ को बड़ा मिस कर रही हूँ यार। वो मैंने आज उससे बात करी, मतलब मम्मी ने फ़ोन पे उसको फ़ोन में आवाज़ सुनाई मेरी, तो वो मेरे रूम की तरफ ही देखने लगा कि कहाँ से आवाज़ें आ रही है। 4-5 दिन हो गए ना, मतलब मैं इतने दिन के लिए उसको छोड़ के ही नहीं गई भी, आज तक नहीं गई। शाम सुबह जाती थी, शाम को वापस आ जाती थी, पर ये फर्स्ट टाइम था कि मैं उसको 5-6 दिन के लिए छोड़ कर आई हूँ अकेले। बड़ा मतलब वो शांत सा हो गया, जब मैं रहती थी तो मेरे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन अभी बात ही नहीं करता ज़्यादा मम्मी वगैरह से। और देखते यार, बड़ा मिस कर रही हूँ यार उसको मैं, और कुछ मिस नहीं कर रही, सबसे ज़्यादा उसी को मिस कर रही हूँ। तो सबसे पहले उसी से मिलूँगी जाके घर। आज अपना कौन सा डे है? फोर्थ। फोर्थ आ गया यार, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वैसे फोर्थ वाला। और हम लोग निकल चुके हैं, अभी कितने बजे, 12:30 के करीबन बज रहा है शायद। मैं और अश्मित आ गए हैं, और तनु अभी है ना मास्क भूल गई है, तो वो लेने गई है वापस से, वो आ गई है अभी हील पहन पहन के, तो चल नहीं पा रही है। अभी आएगी तो वो उससे भी मिलवा देती हूँ आपको मैं। और ये अश्मित है, तैयार होके बड़ी सुंदर लगी है। तनु आ रही है, तो वो ये मेरा पूरा लुक है, अच्छे से दिखा दूँगी, दिखाना ज़रा। आ रही हूँ। हाँ ये पूरा लुक, वो तो दिखा आपने क्या, ये हाँ ये मैंने बनाया है इस पे, और ये इस पे भी मैंने बनाया है। अगर किसी को बनवाना हो ना तो मैं बना सकती हूँ, जडवे या जडवे। और ये हमारी तनु जी आ चुकी हैं तैयार होके, तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, वहीं जाके मिलेंगे फिर आप। पैदल जाएंगे क्या अपन? पैदल बहुत दूर है वे, कॉफी और चाय और दवाई।
कहाँ गंदी जगह पे बैठ रहे हो सब लोग, क्या करे मिट्टी तो सभी जगह ही है। वहाँ धूप है यार, बहुत कॉफी पियेंगे अपन दोपहर के 1 बजे, कोल्ड कॉफी बनवा लेते हैं यार। मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा कोल्ड कॉफी तो मुझे गर्म नहीं पी जाती है ना, वही तो मुझे सुबह सुबह गर्म पीने से चाय हॉट कॉफी चाहिए पड़ती है। वो बात भी है, मतलब मैंने शर्ट पहनी तो मैं लड़का ही लगूंगी। है सुंदर नहीं लग रही मैं? जैसी हूँ मैं वैसी पसंद करती हूँ अपने आप को, समझ में आई ना? अच्छी लगती है, ये है ना, ये मेरी सच्ची दोस्त है, ये लड़की, ये खुशी तुझे ऐसे प्रेम में छड़ जा, बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं फोटो भी चाहिए मुझे। नहीं नहीं तू भी अच्छी है, फोटो लेने के लिए करना पड़ता है। ये तो करती है, सुना ले। मुझे बुरा लग जाएगा। लगना चाहिए तुझे। लग जाता तो तू खत्म भी हो जाती ना, सर्वर फोड़ दिया होता तेरा। अरे यार फोड़े हैं से? मुझे नहीं आया। और खुशी कैसा फील हो रहा है आपको?
थके हुए हैं आप। आपको कैसा फील हो रहा है दांची? बहुत अच्छा जीजी, बहुत अच्छा जीजी। ये लोग मेरे को हमेशा जीजी बोलते हैं यार। बड़ा बड़ा सा फील होने लगता है मुझे, क्योंकि ये सबसे बड़ी है हमारे ग्रुप में। मैं और एक और है, हम छोटे हैं। हाँ, तो मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं सबको ख्याल रखना पड़ता, तो जीजी हो गई मैं। तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसे चौकी धानी गए थे हम लोग तो वहाँ बंद हो गया था, लेट हो गया शायद, तो इस वजह से अब कल परसों में जाएंगे तो देखते हैं। उन्होंने भगा दिया हमें बाहर से। नो एंट्री कर दी हुई, हम ऐसे लोग अंदर नहीं लेते। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते पे चलते चलते, और फिर वहाँ से ऑटो लेके फिर हॉस्टल में जाएंगे। ठीक है, आगे का जो भी रहेगा आपको क्या करना है बताते रहे। और एक और चीज, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बोलना। लाइक शेयर एंड प्लीज कमेंट भी करते रहना जीजी को। जीजी को मेरा चैनल का नाम जीजी रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे।